फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक। सो जी, आज की वीडियो है हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो। हमें रिक्वेस्ट आई है कि आप जी ट्विन ब्रेड विद फोल्ड करके रिबन के साथ, सॉरी फोल्ड करके विद रिबन। सो आज हम तीन कलर के रिबन भी लगाएंगे, ब्लैक, वाइट एंड रेड कलर के। आपको बारी बारी या एक साथ लगा के वो भी दिखाएंगे, और जी जो है डबल ब्रेड भी करेंगे, और आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो पूरा करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हमने बालों के दो हिस्से तो कर लिए, हाफ हमारे इस साइड पे हैं और हाफ हमारे इस साइड पे हैं। तो जी जो ये हमारे राइट साइड वाले हाफ बाल हैं, इनके हम जी तीन हिस्से करेंगे और सादी चुटिया जो है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और जी अच्छे से जी हम इसको करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। मुझे रिक्वेस्ट करना बेसिकली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, तो मैं इसको रिक्वेस्ट नहीं कहूँगी। मुझे पता नहीं कि इसको और कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ, क्योंकि आप लोग जो कहते हो, आप लोगों की कमेंट्स आते हैं, और आप लोग जो चाहते हो कि हम ये वीडियो लेकर आए, मैं ये कहूँगी और आसान लफ्ज़ों में, बट मुझे रिक्वेस्ट कहना अच्छा नहीं लगता है। और ये आप लोगों को पसंद है जो है ट्विन फोल्डेड ब्रेड विद रिबन, सो हम इसलिए ये लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये देखनी है। आप लोगों को ऐसी वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, तो ये सोच करना मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है वो सिंपल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और पसंद करते हैं। और क्योंकि मैं जो हूँ, मुझे भी सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा, हाँ, वीडियोस के लिए हमें हर किस्म के हेयर स्टाइल बनाने होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि डिसेंट से डिसेंट हेयर स्टाइल हो, बहुत इजी हो, जो कि आप लोग आराम से जो है ना वो बना लें, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ हेयर स्टाइल जो है वो ऐसे होते हैं जो एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आप खुद बना लेंगी। कुछ हेयर स्टाइल हैं जो कि आप अपनी सिस्टर और मामा से बनवा सकते हैं, तो इसलिए मैं मुश्किल हेयर स्टाइल तो हम जो है वो बिल्कुल नहीं लेकर आते हैं। तो बाकी आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोगों को हमारा कोई हेयर स्टाइल जो है वो मुश्किल तो नहीं लगता ना, बाकी ये आप लोगों ने ही हमें बताना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि मुश्किल ना हो, बट आगे आप लोगों ने बताना है। और अभी गर्मियाँ स्टार्टिंग हुई है, और आप यकीन माने कि इतना सुकून आ रहा है, ये मुझे जो है ब्रेड बनवा के सारे बाल जो है वो कवर हो गया, तो इतना, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो ये हाल हो रहा है, अभी से दिल कर रहा है पूरे बाल जो है वो बंधे हों, ब्रेड हुई हो या बन किया हो, अच्छे से बाल जो है वो सिक्योर और कवर हों। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जो फुल गर्मी आने वाली है, तबाही वाली, वो क्या बनेगा हमारा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सबके लिए ये जो गर्मियाँ हैं ये बहुत अच्छी जाएँ, और सब जो है वो बहुत हैप्पी हैप्पी रहें, और सबके लिए बस सब अच्छा हो। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए प्रे करनी चाहिए और बहुत सारी जो है ना वो दुआएं करनी चाहिए बस। ये देखें जी, ये हमारी ब्रेड जी कंप्लीट हो गई, ये देखें। ये देखें, अब जी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करेंगे जी इसको। चलें जी, ये देखिए, ये हमने फोल्ड करके जो है ना रेड रिबन लगा दी। मैंने कहा रेड रिबन जो है वो ज्यादा उठा देगा, और ये हमारी बेबी हेयर जो है वो देखें, ये इन्होंने अपने फ्लावर बनाया हुआ है। ये हमारी जी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हम लोग आ गए
और जी फुल सुकून में है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। दो चोटियां कर लो और घूमते रहो आराम से, सुकून ही सुकून है जिंदगी को। साथ साथ कॉम्बिंग भी कर रहे हैं ताकि नीट एंड क्लीन रहे, वो हमारी ब्रेड बनती रहे नीट एंड क्लीन। आपको पता हर चीज़ ही अच्छी लगती है, चाहे वो हर स्टाइल, जो हेयर स्टाइल है, घर का काम है, कुछ भी है, वो नीट ही अच्छा लगता है। सो कोशिश किया करें कि हर काम को जो है वो आराम से, सुकून से और अच्छे से किया करें, तो वो बहुत अच्छा होता है। जी इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर ये पूरी नजर आएगी वरना नहीं आएगी। इसको रबर बैंड लगाएंगे एंड देन इसको फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग फोल्डिंग बड़ी अच्छी लगती है मुझे, फोल्ड की हुई ब्रेड्स। आप लोगों की और हमारी चॉइस सेम सेम है। ये देखिए जी, इसको यूं फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे पकड़ेंगे, हेल्प करवाएंगे इनकी। कोई बात नहीं, हेल्प तो करवा देते हैं। इसको रबर बैंड लगाएंगे पहले फोल्डिंग करके, ताकि सिक्योर हो जाए। सीधा अगर रिबन बांध देगा तो वो नीचे भी आ सकती है। इस तरीके से जी अब हम रिबन लगाएंगे। बन गई मैं स्कूल गोइंग गर्ल। स्कूल गोइंग गर्ल्स जो होती है ना, बच्चियां होती हैं, टीनेज गर्ल्स, वो बड़ी ये वाला हेयर स्टाइल बना के मोस्टली जाती हैं। ये देखें, ये जी चलें जी। तो ये देखिए, ये अब हम लोगों ने ब्लैक कलर का रिबन लगा लिया। मैंने कहा आज आपको सारी दिखा दूँ एक ही वीडियो में, फिर आप बार बार कहते हो रेड लेकर आओ, वाइट लेकर आओ, ब्लैक लेकर आओ, तो एक ही वीडियो में सारे दिखा देते हैं। ये ब्लैक हो गया जी, ठीक है। ये देखिए अब वाइट लगा लेते हैं। ये देखिए जी, ये वाइट पे हम लोग आ गए। आप लोगों ने बता रहे हैं मुझ पे सबसे ज्यादा सूट कौन सा कर रहा है, व्हाइट कर रहा है, रेड कर रहा था, ये ब्लैक कर रहा था। मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, है ना, अपने मुंह खुद ही मियाँ मिठू वाली बात है ये तो। चलें जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।